विकोरिल ओरल सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले विकोरिल ओरल सस्पेंशन का मुख्यतः उपयोग सर्दी बुखार की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस सस्पेंशन के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये सस्पेंशन कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सस्पेंशन के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सस्पेंशन का सही डोज क्या है, इस सस्पेंशन से जुड़े सभी सवाल के जवाब आप इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये 60 ml का सस्पेंशन आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 63 यानी 63 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। विकोरिल ओरल सस्पेंशन में इच 5 ml सस्पेंशन में मतलब 5 ml सस्पेंशन में पैरासीटामोल IP 125 mg, क्लोफेनामाइड मेल्टेड IP 1 mg, वेनिलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg यह कंटेंट समाप्त है। इसमें मौजूद पैरासीटामोल या ड्रग ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो दर्द का कारण बनते हैं। वेनिलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड यह श्वसन नलिका के सिकुड़ियम मार्ग को खोलने का काम करता है। क्लोफेनामाइड मेल्टेड यह एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है जो बॉडी में मौजूद एलर्जी और एलर्जी के लक्षणों को कम करता है। बात करते हैं इस सिरप की यूजर्स की डॉक्टर से जिनके समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसे सर्दी बुखार सिर दर्द दांत का दर्द कान में दर्द जुकाम त्वचा में खुजली होना सर्दी से नाक बंद होने की समस्या सर्दी से नाक बहने की समस्या इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस सस्पेंशन के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस सस्पेंशन का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों इस सस्पेंशन का डोज आपके बच्चे के वजन पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। आप इसे अपने मन से घर पर इस्तेमाल न करें। साइड इफेक्ट इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपके बच्चे को इस सस्पेंशन में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो उसे बताए कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि उसे बताए कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से आपके बच्चे को सुस्ती आना, सिर दर्द, नज़र में धुंधलापन, मितली, उल्टी, खुजली ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सस्पेंशन को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपके बच्चे को इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है, फिर आपके बच्चे को इस सस्पेंशन में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सस्पेंशन का यूज ना करें। अगर आप अपने बच्चे को